हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टैग वन। सिंपली गाइस, आप लोगों को एसबीआई बैंक का यहाँ पे सीएसपी लेना है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो में आए। गाइस, आप लोगों को बताते हैं एसबीआई बैंक यहाँ पे आप लोगों को सीएसपी प्रोवाइड कर रहा है। वो की कह रहा है कि आप लोग उसके साथ में बिजनेस कर सकते हो, अपने घर पे बैठ के एक स्मॉल टाउन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। गाइस, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास है, तो आप लोग सिंपली इस एसबीआई सीएसपी को ले सकते हैं अपने घर पे बैठे ही। कोई भी टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। गाइस, डायरेक्टली आप लोगों को अप्लाई करना है, किस तरह से करना है वो इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक जानकारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग लास्ट में रॉन्ग कमेंट करते हैं। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आ पाएगा सीएसपी के लिए अप्लाई किस तरह से करना है, यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। उससे पहले गाइस, अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज टेगम्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, फॉलो करें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीएसपी सीएससी एंड आधार अपडेट और बैंकिंग से रिलेटेड टोटल वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गाइस, आप लोगों को प्यार से यहाँ पे चैनल मोनेटाइज हो चुका है काफी टाइम से एंड अच्छा खासा भी चल रहा है, और आप लोगों के प्यार से यहाँ पे वीडियो भी अच्छी चल रही है। तो सिंपली गाइस, आप लोग रॉन्ग कमेंट बिल्कुल ना करिएगा, बिल्कुल वीडियो सही देखेंगे, एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा क्या डिटेल्स हम आपको देने जा रहे हैं और क्या सही है और फिर क्या गलत है। सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एसबीआई बैंक की साइट पर आप लोग पहुंच जाते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा लिंक प्रोवाइड नहीं किया गया जिससे कि आप लोग सीएसपी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि बैंक ने डायरेक्ट सीएसपी देना बंद कर दिया है। आप लोगों के पास में दो ही यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं, या तो आप लोग बैंक के कॉन्टेक्ट में जाएंगे, सिंपली आप लोग कॉन्टेक्ट में अगर चले जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को बैंक के एग्जीक्यूटिव से कॉन्टेक्ट करना है और उनसे आग्रह करना है तो आप लोगों को सीएसपी मिल सकता है। अदरवाइज दूसरा सीएसपी आपको डायरेक्ट लेना है तो सिंपली आप लोग क्या करना पड़ेगा, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है यानी कि वेबसाइट है जिसपे आप लोग सीएसपी ले सकते हैं। गाइस, सिंपली यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वेबसाइट आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा, आप लोग सर्च कर दीजिए, वेलकम टू संजीवनी लिख के आ रहा, संजीवनी vf.rg है। तो आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले इसका एंटी फ्रॉड डिस्क्लेमर आ रहा है, इसको आपको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, इसको बाद में क्रॉस कर देना। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे सीएसबी जो प्रोवाइड करता है, एसबीआई बैंक के मोस्टली इंपॉर्टेंट ये प्रोवाइड करता है, बाकी अदर बैंक में थोड़ा झिकझिक यहाँ पे करने लगता है। उसके बावजूद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसके पोस्टर्स देख लेना जहाँ पे आप लोगों को सीएसपी प्रोवाइड की जाती है, कई लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर चुके हैं। अब आपको रिक्वेस्ट के लिए क्या करना गाइस, यहाँ पे लिख के आ रहा कि सीएसपी रिक्वेस्ट, सिंपली सीएसपी रिक्वेस्ट पर क्लिक करना आप लोगों को। उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आप लोगों को। यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताई गई है, कम से कम आपके 21 वर्ष उम्र होना चाहिए, मैट्रिक या उससे अधिक पास होना चाहिए, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, कार्य में कुछ पूंजी लगाने की क्षमता आपके पास में होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल कर्मठ एंड बेरोजगार व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा गाइज, आपकी एलिजिबिलिटी में बता देता हूँ, आपके पास में एक ऑफिस होना चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास में होना चाहिए, टोटली सामान आपके पास में होना चाहिए, यानी कि फिंगरप्रिंट डिवाइस, स्कैनर डिवाइस, फोटोकॉपी मशीन वगैरह सभी आपके पास में होना चाहिए। एंड ध्यान रहे, आपके एरिया में गाइस इसका सीएसपी ऑलरेडी नहीं होना चाहिए कुछ किलोमीटर के दायरे में। सिंपली आप लोग इसके बाद में गए, व्हाट इज द गेट रिटेलर, सिंपली दिया गया आप लोगों को। यहाँ पे इतने सारे इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं आपको क्या क्या मिलेगा। एंड इसके अलावा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता देता हूँ, आप लोग इससे अकाउंट ओपन कर सकते हैं जीरो बैलेंस के साथ में, इजी तरीके से करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड माइनर अकाउंट अगर बैंक ओपन करके दिखाता है वो भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आप लोग एप्स कर सकते हैं, यानी कि ऑल आधार, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी कि आप लोग आधार से कस्टमर का लेन देन कर सकते हैं, डिपॉजिट वगैरह एंड ट्रांजेक्शन वगैरह, मनी विड्रॉल वगैरह सिंपली कर सकते हैं, रिचार्ज बिल पेमेंट आप लोग इससे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम है जो बैंक आपको कर्ज के देता है, वही आप लोग यहाँ पे कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अप्लाई कैसे करना वो आपको मैं बता देता हूँ। अप्लाई फॉर सीएसपी पर क्लिक करना, एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने ओपन होगा गाइस, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा यहाँ पे। तो गाइस, फॉर्म किस तरीके का आपको मैं बता देता हूँ। गाइस, फॉर्म खुल गया आपके सामने, अब आपको वीडियो को क्लोज नहीं करना, ध्यान से सुनना है गाइस। सबसे पहले आधार से लिंक जो भी नाम है आपका आधार में वो यहाँ पे डाल दीजिए, मोबाइल नंबर जो भी उससे लिंक है वो यहाँ पे डाल दीजिए, इसके बाद में ईमेल एड्रेस जो आपके मोबाइल में ऑल टाइम चालू रहता हो, इसके बाद में स्टेट सिलेक्ट करना तो आप लोग अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, एंड आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है तो गाइस सिंपली डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद में सिटी आपको दर्शा देना अपना सिटी जो भी आपका सिटी है, इसके बाद में गाइस आपको प्लेस दर्शाना तो सिंपली आप लोग यहाँ पे प्लेस लिखेंगे, एंड क्वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको क्वेरी, तो सिंपली आपको क्वेरी में क्या लिखना है वो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। आई नीड ए एसबीआई बैंक सीएसपी, प्लीज कॉन्टेक्ट अर्जेंटली। आपने इतना लिख दिया यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, इसको सबमिट करना गाइस। सबमिट करने के बाद वीडियो क्लोज नहीं करना, आपको ध्यान देना आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑल टाइम चालू रहना चाहिए गाइस, क्योंकि 3 से 7 डेज मैक्सिमम 15 डेज के अंदर आप लोगों के पास में कॉल आ जाता है संजीवनी.vf.org की तरफ से, एग्जीक्यूटिव आपसे बात करते हैं, आपकी टोटल एलिजिबिलिटी पूछी जाती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं और आपको सीएसपी प्रोवाइड की जाती है गाइस। इसके अलावा अगर आपके पास में कॉल नहीं आता तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, वापसी से कॉन्टेक्ट अस में जाना है, कॉन्टेक्ट अस में जाने के बाद
बाद में गाइज इसका कारण ये रहता है कि आप लोग अभी यहाँ पे गाइज बहुत सारे अकाउंट वगैरह ओपन किए जाते हैं तो आपका ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके अलावा आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट अस में जाना है, यहाँ पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं आप, या फिर स्टेट वाइज आपको सिलेक्ट करना, जैसे मेरा मध्य प्रदेश है, मैंने गाइस सिंपली आप लोगों को मध्य प्रदेश के कॉन्टैक्ट यहाँ पे मिल गए हैं, या मध्य प्रदेश के कॉन्टैक्ट हैं, इन पे डायरेक्ट कॉल करके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप लोग सीएसपी के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं हमने यहाँ पे ऑनलाइन किया था, फॉर्म अप्लाई किया था, बट हमें कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं मिल पाई और ना ही हमारा सीएसपी ओपन हुआ है। तो सिंपली आपका यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करेंगे तो आप लोगों को सीएसपी मिल जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप लोग सीएसपी ले सकते हैं एसबीआई बैंक का अपने घर पे बैठ के, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। उम्मीद करेंगे जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कोई भी दिक्कत आती है कॉमेंट करके बताए, आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कॉमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी स्टेट बैंक के साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मली। आप लोग 20 से 25 25 से 30 हजार रुपए अपने घर में बैठ के यहां पे इजी तरीके से कमा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक।